हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सूरज शर्मा लाइव। कैसे हो आप सब? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हो गए। सो गाइस, आप लोग इतना वेट कर रहे थे इस वाली वीडियो का कि आपके लव स्टोरी का पार्ट टू कब आएगा। इतने सारे कमेंट्स आ गए थे हमारे पास भाई, हम तो पागल हो चुके थे। तो हमने सोचा चलो यार, इतना वेट क्यों कराना है ना, सेकंड पार्ट हम लेके ही आ गए आप लोगों के लिए। सेकंड पार्ट में बताएंगे कि उसके बाद क्या क्या हुआ। और अगर किसी ने फर्स्ट वाला पार्ट नहीं देखा है जाके देखो, और फिर ये भी देखो, जाके वो वाली वीडियो भी देखो और सारी वीडियोस देखो हमारी, और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। और चलो उस दिन का थोड़ा रिकैप करा देता हूँ कि उस दिन हमने, उस फर्स्ट वाले पार्ट में हमने क्या क्या बात करी थी, मतलब स्टार्टिंग से एंड कहाँ तक हुआ था। स्टार्टिंग में कि हम कहाँ मिले थे, है ना, उसके बाद एंड कहाँ हुआ था कि एंड यहाँ हुआ था कि इनके घर पे इनके रिश्ते आने शुरू हो गए थे कि हाँ भाई इसकी शादी करवानी है ऐसे करके। ठीक है, हम उसके आगे की बात करने वाले, उससे पहले का अगर किसी ने देखना है तो हमारे फर्स्ट पार्ट में जाके देख सकते हो। चलो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। ठीक है, सो गाइस, मैं उस टाइम क्या हुआ कि जब आपको पता ही है यार, जब घर वालों को पता चल जाता है कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ है, तो घर वाले चाहते हैं कि जल्दी जल्दी बस अब शादी हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए, बस कहीं भी हो जाए, बस वो होना चाहिए, बंदा होना चाहिए मुस्लिम, बस और कुछ भी नहीं, चाहे जैसा मर्जी हो वो बंदा, जैसा मर्जी हो, गोरा चिट्टा काला ये वो, चाहे इसको पसंद हो ना हो, इसका हाँ हो ना हो, बस इसको उनको ये था कि कहीं भी करवा दो, बस हमारी बेटी वहाँ ना जाए, उनके पास, उसके पास, मेरे पास, मतलब। ठीक है, तो ऐसे करके इनके घर पे हो गया कि हाँ इनका रिश्ता आने लग गया एक दो जगह से, इधर उधर से। और पहले तो मेरे को पता नहीं था, इसने मेरे को बताया नहीं था कि मेरे को, मैं टेंशन हो जाएगी बोल के ये वो। तो फिर जब इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो अब पहले आते तो पहले भी थे, बट पहले इतना बात पहुँचा नहीं था। तो जब लास्ट में होने लगा कि इन्होंने बोला कि बात अब थोड़ी आगे आगे पहुँच रही है, तो फिर क्या करना है, अब क्या समझ नहीं आ रहा कुछ, तो इसने सारी बातें शेयर करी अपनी। तो फिर मैंने जब सुना ना वो वाली बात, मैं तो पागल हो गया भाई। मैं कह रहा ये क्या हो रहा है। मेरे को पता तो था कि हाँ भाई होने वाला है, मेरे को हिंट है यहाँ से थी कि इनकी बहन की शादी होने वाली थी, तो जब बहन की शादी हो जाएगी उसके बाद तो इन्हीं की बारी है। तो फिर मुझे पता था कि हाँ भाई कुछ तो होने वाला है और बॉम्ब फूटने वाला है कुछ मेरे लिए, औरों के लिए तो नहीं, मेरे लिए बम फूटने वाला है और इनके लिए। तो फिर वही हुआ सेम जैसा मैंने सोचा था, और बम फूट गया। इन्होंने बोला और इन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, घर पे रिश्ते की बात हो रही है, ये वो बात आगे पहुंच रही है। तो फिर ऐसे करके हमारी बात कट हो गई, फ़ोन कट हो गया। उसके बाद कट होने के बाद तो मैं भाई होपलेस, मैं कह रहा हूँ ये क्या क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ये मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। मतलब एक जब अचानक से झटका लगता है तो बंदा ऐसा नहीं हो जाता, चारों तरफ कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मैं क्लास ले रहा हूँ और उस टाइम जब मेरे को ये बात पता लगी कि इनका रिश्ते की बात बहुत हो गया है, हो रहा है, मैं अंदर गया वॉशरूम में, मैं रो रहा हूँ चिल्ला चिल्ला के। बाहर बच्चों को, स्टूडेंट्स जो थे कर रहे थे, उनको मैंने बोला कि आप लोग करो, मैं अंदर जाके रो रहा हूँ, पूरा वॉशरूम लगा के फ्लश दबा के कि बाहर तक आवाज़ ना जाए, मतलब वो भी देखना उधर का, और अंदर से अपनी फीलिंग भी आ रही है कि क्या हो रहा है ये, अगर कैसे रो रहा हूँ। उसके बाद फिर हमने दोबारा बात करी ऐसे, अब क्या कर सकते ये वो। उसके बाद फिर असली चीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई कि स्टेप लिया हमने आगे की, सोचा अब कुछ स्टेप तो लेना पड़ेगा। हमने घर वालों की भी बहुत 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 मनाया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे है, मैंने भी बात करी, उन्होंने बिल्कुल नहीं माने, इन्होंने भी बोला बहुत 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 ज़्यादा बोला हमने, बहुत ज़्यादा। जब हमको लगा कि अगर हमने अब कोई स्टेप नहीं लिया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि एक स्टेप लेना ज़रूरी था, जब एंड में जाके हमको लेना पड़ा स्टेप कि हमने अब, क्योंकि हमारी इतनी एज भी नहीं थी, मैं उस टाइम 21 प्लस था, वो अभी 21 प्लस हुआ था, और ये भी 18 प्लस हुई थी उस टाइम ही, 20 प्लस ना, मतलब 19 लग के 20 में लगने वाले थे, लगे भी नहीं थे 20। हाँ, तो ऐसी थी एज। तो हमने बोला अभी अगर इतना कुछ सोचेंगे तो आगे कुछ नहीं होएगा, बट ये बात है कि मैं इससे पहले थोड़ा मेच्योर हो गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही मतलब ये सारी चीज़ें फेस किया हुआ था, ये सारी चीज़ें नहीं, मतलब कि होता है ना कि एक्सपीरियंस जल्दी हो जाता है किन्हीं किन्हीं को यार, कि हाँ काम करना है, ये करना है, वो करना है, थोड़ा सीरियस हो जाते लाइफ में, वैसा था मेरा। तो फिर तभी इतना डिसीजन लेने का दिमाग आया कि हाँ चलो कुछ करते हैं। उसके बाद फिर इधर उधर तो जा नहीं सकते थे, और सोच समझ के स्टेप लेना था सारा कि क्या करना है अब आगे। तो फर्स्ट तो पहले अपने आप को कंट्रोल किया, काम रखा कि हाँ ठीक है,
जो है ठीक है, लड़की है वो, उसने बताया मेरे को ये वो सारी चीज़ें, बातें कि ऐसा ऐसा चल रहा है, मतलब ये भी है मेरे साथ और बहुत टाइम से थे हम, 7 ईयर से। तो फिर मैंने स्टेप लिया, पहले तो मैंने एक बार तो मैं दिल्ली गया था। सबसे पहले क्या हुआ कि ऐसी बात हुई, ऐसे मैं वो हो गया, पागल हो गया, और मैं रात को ही निकल गया 12-1 बजे। मेरे को, मेरे दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा। मैंने बोला अब क्या करूँ, जो कहीं भी कुछ भी वीडियोस यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। हर जगह नेगेटिविटी है कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जेल हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिहाद हो जाएगा, ऐसा ऐसा बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी। तो मैंने सोचा तो क्या, मैं उठा। उस टाइम वो लव जिहाद वाला ज़्यादा चल रहा था उस टाइम ना। तो फिर मैंने बस पकड़ा और मैं पहुँच गया दिल्ली, कि दिल्ली एक सिटी है इतना बड़ा, तो वहाँ पर जाके कुछ तो मेरे को पता चलेगा। अकेले रात को 12 बजे निकल गया दिल्ली के लिए, सुबह दिल्ली पहुँचा। सुबह पहुँच के फिर वहाँ पर जितने भी कोर्ट कूट होते हैं, जो भी एडवोकेट होते हैं, सबको फ़ोन किया, ये वो कि ऐसा वैसा वैसा। तो उनका भी ऐसा था कि हाँ हो जाएगा, बस आप इतने पैसे दे दो, इतने पैसे में हो जाएगा, ये वो ऐसे ऐसे था। बट मेरे को ना कहीं पॉजिटिव वाला एक होता है ना कि हाँ ये सही, एक ऐसे लग रहा था कि वो बस पैसों की बातें कर रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा, पैसे पैसे पैसे। तो मेरे को लिंक अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ जाके। सुबह पहुँचा वहाँ पे, बस से उतरा, कभी ये वाले कोर्ट, कभी वो वाले कोर्ट। एक दो दिन से तो खाना खाया ही नहीं था और मेरे को तो दिल्ली का इतना पता भी नहीं। सर्च कर रहा हूँ भाई फ़ोन में, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, फ़ोन लगा रहा हूँ। रात होगी, पूरे दिन चली जा रहा हूँ और खाने का नहीं होश, ना किसी चीज़ का होश। रात हुई, इसका फ़ोन आया, इन्होंने बोला कहाँ हो आप। मैंने बोला मैं तो दिल्ली आया हूँ, क्या करने, ये मैंने बताया सारा। कह रहे क्या रात को ही आ गए, ये वो खाना भी नहीं खाया अभी तक, खाओ। मैं चली जा रहा हूँ, मेरे पैर ऐसे कांप रहे, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था खाने का, और मैं चली जा रहा हूँ कभी इधर कोर्ट में, कभी किसी से उससे बात कर रहा हूँ, मतलब कोर्ट के आसपास एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, ये वो। तो शाम को, पहले रात को निकला, पूरे दिन भर वहाँ पे घूमा, ये वो बातचीत करी, उसके बाद फिर शाम हुई, शाम को फिर बस पकड़ा, फिर रात को यहाँ पहुँचा। लेकिन जो उन्होंने बातें बताई थी आपको है ना, वो बोलते थे कि ऐसे मंदिर वाली टाइप वाली शादी करवाने के लिए। मैं बताता हूँ, तो फिर ऐसा हुआ, वहाँ का ये सारा हो गया, बट वहाँ से मेरे को कुछ मिला नहीं। तो फिर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे बात स्टार्ट हुई, वहाँ पे मैं गया एक कोर्ट में गया, फिर वहाँ से मैंने किसी एडवोकेट से बात करी, ऐसे वैसे ये वो। फिर उन्होंने भी यही बोला, जब उनको भी हिंदू मुस्लिम का पता लगा ना, तो उन्होंने बोला कि पहले लिविंग वाला ये बना लेते हैं, क्योंकि वो बाद में बताता हूँ क्यों बोल रहे थे। फिर उन्होंने भी बोला लिविंग में ये वो, फिर वो भी पैसों की बात करने लगे कि इतने पैसे लगेंगे, ये वो हो जाएगा, टेंशन ना लो, ऐसे वैसे। बट मेरे को वहाँ पर भी लिंक अच्छा नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च किया, उसके बाद फिर मैंने एक और एडवोकेट से बात करी। तो उनसे बात करने के बाद फिर मैंने उनको ना बताया कि ऐसा 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 मेरी ये डाउट है। तो ऐसा सारा 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 कुछ बताया, फिर उन्होंने उनका लगा मेरे को कि हाँ प्रॉपर उन्होंने कुछ बताया मेरे को सही बात। तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है, फिर हम करते हैं स्टार्ट, ये वो। तो हमने स्टार्ट करी, फिर इनको मैंने बताया कि ऐसा 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 हुआ है। तो इनके जो रिश्ते की बात हो रही थी, इन्होंने मना कर दिया, कि पता नहीं कुछ क्या बहाना दिया इन्होंने, कि इन्होंने मना कर दिया कि मेरे को पढ़ना या कुछ भी आगे करना है, ऐसे कुछ बोल के इन्होंने मना कर दिया वहाँ पे। और घर पे ऐसे बवाल कि तूने ऐसे कैसे मना कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इसका फ़ोन छीन लिया, फ़ोन तोड़ दिया, इसको बंद कर दिया घर पे, कि अब तो बाहर एक कदम भी नहीं रखेगी, मतलब घर में बंद कर दिया। उसके बाद मेरा तो पीछे पीछे चल रहा था सीन, कि मैंने एडवोकेट से बात करी कि अच्छा ठीक है, बट उसने मेरे को बताया कि जो लीगली होता है मैरिज वो ऐसे होता है। तो उससे पहले सबको बोल रहा था कोई मंदिर में ले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, सब बोल रहे थे, बट मेरे को ना सही नहीं लग रहा था कि नहीं ऐसे नहीं, कुछ प्रॉपर तरीके से करना है मेरे को, ऐसे नहीं करना कि बवाल टाइप नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि बहुत ही बवाल हो रहा था उस टाइम। आज से तीन साल होने वाली है हमारी शादी को, 3 साल पहले की बात है। और अभी लॉकडाउन भी खुला हुआ था, थोड़ा वही टाइम चल रहा था, ज़्यादा नहीं था, लॉकडाउन खुल गया था, बट वही टाइम था। तो फिर हम गए कोर्ट में गए, वहाँ जाके फिर फॉर्म लिया उनसे, और फॉर्म लेने के बाद फिर हमने फॉर्म भरा और फॉर्म दिया, और मैं खुश, मैं कह रहा ओ यार इतना इजी है ये, तो फॉर्म भरा और फॉर्म दिया और हो गया, मतलब फॉर्म दिया बस। मुझे लगा कि वो फॉर्म देने से, एप्लीकेशन दी उनको, मुझे लगा कि उससे हो जाएगा, SDM ऑफिस में दिया तो फिर उससे हो जाएगा। आए फिर उन्होंने बोला कि, एडवोकेट ने बोला कि अभी टाइम लगेगा 1-2 दिन में उनका, फिर वो हमें दोबारा बुलाएंगे ऐसे करके। तो फिर बोला कि ठीक है। तो फिर 1-2 दिन में फिर बुलाया नहीं, हफ्ता हो गया बुलाया नहीं। अब मैं कह रहा कि भाई इतना प्रेशर, एक दिन ऐसे कट रहा था, पता नहीं क्या हो रहा है। तो एक हफ्ते बाद फिर मैंने एडवोकेट को फ़ोन किया, मैंने बोला सर अभी तक बुलाया नहीं, क्या हो गया, 1-2 दिन बोल रहे थे आप। तो उन्होंने बोला कि आएगा, मेल आएगा या फिर फ़ोन आएगा उनका। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद 10 दिन हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया,
हम ही गए फिर। फिर उन्होंने ऐसे बताया कि ऐसा ऐसा होता है इतना, उन्होंने फिर उन्होंने डिटेल में समझाया और एडवोकेट ने भी समझाया दोनों ने कि भाई 1 month होएगा, जो मतलब प्रॉपर प्रोसीजर होता है ना कोर्ट मैरिज का, वो ऐसे होता है जिसमें 3 month भी लग सकते हैं, मतलब 1 month तो मिनिमम है ही है, 3 month लगेगा। और 3 month में भी ऐसा होएगा जो तुम्हारी फ़ोटो होएगी ये वो सब कुछ डिटेल, घर का नंबर सब कुछ ना SDM ऑफिस के बाहर लगेगा और प्रॉपर कि लोगों के सामने ऐसा लगेगा फ़ोटो के साथ। तो फिर SDM ऑफिस में तो हर कोई आता है उस एरिया का, है ना, जहाँ हम रहते हैं, तो वो देखेंगे ऐसे ऐसे करके उस उनके लिए होता है पब्लिक नोटिस बोलते हैं उसको, वो लगाना है। और सेकेंडली फिर आपको उसमें न्यूज़पेपर में देना पड़ेगा। और थर्ड आपके घर पे जाएंगे पुलिस वाले, वेरिफिकेशन करने जाएंगे। तो मैंने बोला चल फर्स्ट वाले में तो हम भगवान या ऊपर वाले की कृपा से बच जाएंगे, कि जो नोटिस लगा हुआ है बोर्ड में कि एक टुक्का की, चलो उससे तो हो जाएगा कोई बात नहीं, उससे निकल जाएंगे। बट सेकंड न्यूज़पेपर, चल न्यूज़पेपर से भी जैसे मर्जी करके उसमें से भी बच सकते हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर में कौन से न्यूज़पेपर भाई साहब, बहुत सारे, 3 न्यूज़पेपर, एक भी नहीं हिंदी इंग्लिश पंजाबी, मतलब अलग अलग ऐसे न्यूज़पेपर। और थर्ड था सबसे मुश्किल कि भाई हर जगह से बच रहे हैं और थर्ड वाले में क्या है, सीधा घर पे जाएंगे पुलिस वाले घर पे जाएंगे वेरिफिकेशन करने। मैं कह रहा फर्स्ट सेकंड से तो हम टुक के लिए बच सकते हैं, बट ये थर्ड वाला कैसे यार, समझ नहीं आया इससे। तो फिर तो वो तो सीधा कुएं में कूदने वाली बात होगी कि पहले में बचे सेकंड में बचे, थर्ड में तो कूदना है ही है, पुलिस वाले खुद चले जाएंगे घर पे वेरिफिकेशन करने। मैंने बोला कि अब करना तो है ही है, करते हैं स्टार्ट करते हैं कोई बात नहीं, ऐसे बोला वहां पर तो सर करना तो है ही है, अब देख लो जैसे भी है। जिस दिन न्यूज़पेपर में आया था वो तो बाद में बोलेंगे ना, रुक जाना अभी वहां तक तो पहुंचू मैं। तो फिर इतना बोल ले उस टाइम मैं और एडवोकेट आगे, तो मैंने एडवोकेट से बोला सर पहले 2 से तो मैं बच जाऊंगा, सेकंड वाले मेरे को लड़ाई का उनका भी कुछ ऐसा सीन नहीं है कि हाँ जो भी है, मेरे को इस चीज़ का है कि अगर उनको घर वालों का पहले ही पता लगेगा तो फिर वो कैसे शादी करवाएंगे, है ना, कोर्ट मैरिज अगर हम कर रहे हैं तो घर वालों को ही पता लग जाएगा शादी से पहले, तो वो क्यों कराएंगे और क्यों करेंगे। तो ये वाला बोला, उन्होंने बोला हाँ ठीक बात है ये वो। तो फिर उन्होंने बोला कि इसमें ना वेरिफिकेशन में ऐसा है कि जरूरी है वेरिफिकेशन कि हाँ यहाँ पे रहते हैं कि नहीं, पर ये जरूरी नहीं है कि वेरिफिकेशन लड़का और लड़की के घर दोनों के घर जाएंगे, ठीक है। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, फिर क्या कर सकते कि अब SDM सर भी बोल रहे हैं कि ऐसा होएगा और बाकी जो भी हमसे बात करे वो बोल रहे हैं ये तो ऐसा ही होता, बहुत मुश्किल है, नहीं होता इसमें, जब तक पेरेंट्स हाँ नहीं बोलते आज तक ऐसा हुआ नहीं है, नहीं होएगा ऐसा। तो मैंने बोला कि फिर क्या करें अब। तो फिर मैंने फिर जाके दोबारा SDM सर से बात करी, सबसे बात करी कि सर ऐसा ऐसा है, अगर अच्छे से बात करी कि सर ऐसा है जैसे हमने फर्स्ट वाला तो कर लिया ठीक है, पब्लिक नोटिस जरूरी है कि पहले इनकी मैरिज हुई है कि नहीं ये वो, और सेकंड वाला कि नोटिस देना सब कुछ ना, कि मतलब बताने के लिए सबको कि हम कर रहे हैं, चाहे न्यूज़पेपर में तो चाहे कहीं भी। तो थर्ड वाले में तो अगर घर पे ही चले जाएंगे पता लग जाएगा तो फिर घर वाले क्यों कराएंगे, तो कोर्ट मैरिज कैसे होएगा, ये घर वालों को तो पता लग जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला कि SDM सर ने बोला कि ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, जाएंगे तो जाएंगे ही, बट ये है कि वो बस वो करने जाएंगे घर का वो लेने। तो मैंने बोला वो तो अगर हम कोई दे देते हैं आधार कार्ड या फिर ये वो या फिर किसी से वो, या मेरे ही ले लो बस ऐसे करके मैंने बोला, बट उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये तो होएगा ही, जाएंगे ही वो, ये है इसमें जैसे कि कोई लॉ होता है ना उसमें लिखा होता है कि ऐसा ऐसा। मैंने बोला अच्छा। तो फिर मैं एडवोकेट के पास गया, ये सब करते करते 15-20 दिन हो गए और मैं भाग ही जा रहा हूँ भाई, वो टाल ही रहे थे हमारी बात। हाँ, वो टाल रहे थे। तो फिर कभी मैं एडवोकेट के पास जा रहा हूँ, कभी मैं उनके पास जा रहा हूँ, कभी मैं इनके पास जा रहा हूँ, इनके पास जा रहा हूँ, कि मतलब क्या सॉल्यूशन क्या है, लास्ट वाले का तो हो ही नहीं सकता। वो करवा रहे थे और उन्होंने आगे स्टार्ट भी नहीं कराया था, उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम इनको ऐसा बोलेंगे तो ये हट जाएंगे पीछे। तो फिर इतने चक्कर लगाए इधर उधर, और ये चक्कर लगाते लगाते कि वहाँ पे ना सबसे मेरी बनने लग गई, यहाँ के वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनसे बाहर, ये वो जो वहाँ पे मैडम थे, जो उनके SDM के मैडम थे और ऑफिसर थे, सबसे सबसे अच्छे से बन गई थी मेरी, मतलब अच्छे से, कि उनको लगा था कि यार लॉयल है लड़का ये वो, और ऐसा वाला भी कोई है नहीं कि गलत है, और उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन ली क्या करता है कहाँ से ये वो सब मैंने बता दिया। उसके बाद मैं एडवोकेट के पास गया, उन्होंने बोला कि यार अब क्या कर सकते हैं, अब 2 है हमारे पास चॉइस, क्या करें, कि हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे हाई कोर्ट में कि ऐसा ऐसा है,
तो फिर वहां से हम ये कर सकते हैं, और सेकेंडली ये कर सकते हैं कि हमें फिर दूसरा वाला है जो वो देखते हैं। मैंने बोला नहीं सर, कि दूसरे वाले में तो मैंने जाना ही नहीं है, मैंने जो करना है प्रॉपर कोर्ट मैरिज करना है। ऐसे वैसे मतलब कहीं भी कोई भी बोल रहा था ना, मैंने बोला तो मैंने दूसरे कहीं और जाना ही नहीं है, मैंने प्रॉपर ही करना है जो भी करना है। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो फिर हाई कोर्ट वाला एक एप्लीकेशन डाल देते हैं कि अगर वो लेना ही है कि हमारे एरिया में रहते हैं, जैसे कि घर पे जा रहे थे वो वेरिफिकेशन करने कि रहते हैं कहाँ, सेक्टर जो भी एरिया होता है उनका। तो मैंने उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन में डाल के कि ये तो हम लड़के के उसमें भी ले ही सकते हैं, जरूरी नहीं है दोनों का लेना, एक का वहाँ का होना जरूरी है कोर्ट मैरिज में, एक का जैसे बॉय या गर्ल में से एक का होना वहाँ का जरूरी है, तो आप बॉय का कर लो। ये करके हमने फिर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डाली। एप्लीकेशन डालने के बाद फिर वहाँ से फिर उन्होंने बोला कि नहीं हाँ ये तो ठीक है कि हाँ अगर वेरिफिकेशन करना है तो बॉय का ही, और लॉ में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, ऐसा कुछ वेरिफिकेशन करना पर जरूरी है, ठीक है ये था। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, फिर हाई कोर्ट से ना नोटिस आ गया उनके पास, SDM सर के पास, कि ऐसा ऐसा ये बात है ऐसे ऐसे करके। कि इनकी जल्द से जल्द कुछ हाँ मतलब नहीं उससे करवा पहले दें। नहीं, वो उस टाइम नहीं हुआ था, तो ऐसे ऐसे करके फिर SDM सर को वहाँ पे बुलाया उन्होंने। फिर उन्होंने बात बूत करी कि ऐसा मतलब हाई कोर्ट से नोटिस आया, फिर SDM सर के पास, SDM सर फिर गए वहाँ पे, उन्होंने बोला, SDM सर ने भी अपना, SDM सर भी ठीक थे, क्लियर किया कि ऐसा 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 था। तो फिर उन्होंने भी वहाँ से बोला कि अगर ये है ही नहीं इसमें तो ऐसे करके आप वो करो, कराओ इनके इनका इनको स्टार्ट कराओ। जब वहाँ से आया हाई कोर्ट से नोटिस, उसके बाद फिर इन्होंने फिर प्रोसीजर स्टार्ट किया, फॉर्म फॉर्म भरा कि हाँ, एक तो अगले जो दिन ही शुरू कर दिया था ना अगले दिन ही प्रोसेस। स्टार्ट कर दिया इन्होंने, तो फॉर्म फॉर्म भरा इन्होंने, फॉर्म फॉर्म भरने के बाद फिर बाहर नोटिस में लगा दिया। मैंने बोला चल यार कुछ तो स्टार्ट हुआ, डर तो था ही कहीं पता ना लग जाए, बट ये था कि कुछ प्रोसीजर तो स्टार्ट हुआ है। नोटिस लगा 1 month का बाहर, और सेकेंडली उन्होंने बोला कि आप अब न्यूज़पेपर में दो, न्यूज़पेपर में दिया। और जब ये हो रहा था मैं तो बस 1 महीना तो मैं हाथ जोड़ के ऐसी सोच ही रहा था, रोज जाके देखना किसी ने देखा तो नहीं यार, घर पे पता तो नहीं चला तुम्हारे, नोटिस लगा हुआ वहाँ पे बोर्ड में हम दोनों की फोटो एड्रेस ये वो नाम नूम सब कुछ। उसके बाद फिर सेकेंडली फिर इसके हफ्ते बाद फिर हमें वो करना होता है, न्यूज़पेपर में देना होता है हिंदी इंग्लिश पंजाबी जो भी है अलग अलग लैंग्वेज में, और वो न्यूज़पेपर फिर सारा कट करके कि हमने न्यूज़पेपर में दिया है वो जाके फिर SDM ऑफिस में जमा कराना पड़ता है, फिर से फॉर्म फॉर्म फिल करके। तो वो भी कराया, उसके बाद ये सारा करने के बाद फिर 1 month लगता है, सब कुछ दे दिया, अब बस 1 month का वेट कर रहे हैं कि वो न्यूज़पेपर जो बटा है कि कहीं जाके घर पे ना पहुंच जाए, और यहाँ पे जो SDM ऑफिस में लगा है ये कहीं जाके घर पे ना मतलब पता चल जाए, कोई और जाके ना बता दे। तो घर पे बस बैठे ही हैं हम, वेट ही कर रहे हैं कि कब होएगा कब होएगा कब होएगा। और फिर उस चीज़ का पक्का नहीं था कि वेरिफिकेशन करने कब आएंगे, और ये भी कंफर्म नहीं था कि इसके घर पे जाएंगे कि नहीं, क्योंकि SDM सर तो आगे भेज देते हैं, जो पुलिस वाले होते हैं ना उनके ऊपर होता है कि वो जाएंगे कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे, बट इतना नोटिस आया था ये मेरे को पता नहीं था कि हाई कोर्ट का था, तो वो तो था होना ही था, बट मेरे को मैं तो फर्स्ट टाइम गया था हाई कोर्ट वाले उसमें, तो फिर मेरे को बाद में पता लगा कि हाँ सब कुछ प्रॉपरली हो रहा, बट मेरे को उस टाइम तक तो डर ही था कि घर तक ना बात पहुँचे, पुलिस वाले ना पहुँचे। तो पुलिस वाले आए मेरे घर पे आए सबसे पहले, आने के बाद फिर उन्होंने फिर मेरी मम्मी से बात करी कि ऐसा सूरज आपका बेटा यहीं रहता है ना ये वो ऐसे करके सारी बात हुई। तो फिर हाँ तो फिर मम्मी ने तो पहले तो पुलिस को देख के हमारे घर पे ऐसा हो जाता है कि हाँ पुलिस वाले क्यों आ गए, सूरज ने क्या किया, ऐसा ऐसे करके सूरज का नाम लेके आए। और फिर उनको तो हमारा पता ही था, ये नहीं पता था कि शादी कर ली है या कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर उनको ये लगा कि सूरज के नाम से क्यों आए, बट पुलिस वालों ने बहुत अच्छे से बात करी कि नहीं आपने टेंशन नहीं लेनी है, कुछ गलत वे में नहीं है हम आए आए हैं, ये बस वेरिफिकेशन करने आए कि आपका बेटा और यहीं रहता है ना। उन्होंने बोला हाँ क्या काम करता है ये वो सब कुछ पूछा उन्होंने, वेरिफिकेशन किया। और जब मम्मी का फ़ोन आया घर से, मेरे पास फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके आए थे क्या किया तूने ऐसे ऐसे करके, वो डर गया थोड़ा। तो फिर मेरे को पता चल गया कि घर पर हाँ वो भी हमारे जो रेंट के ओनर थे उनका भी फ़ोन आया मेरे पास कि क्या हुआ पुलिस वाले आए हुए थे ये वो। मैंने बोला कुछ नहीं सर ऐसे कुछ वेरिफिकेशन थी नॉर्मली आए हैं। तो मैंने बोला अच्छा, तो फिर मुझे लगा मेरे घर पे तो आ गया अब इसके घर पे ना चले जाए। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने बोला भाई बच के पुलिस वाले मेरे घर तक तो पहुँच गए, अब तुम्हारे घर तक ना पहुँच जाए, देख के हम वेट कर ही जा रहे वेट कर ही जा रहे। उन्होंने बस मेरे घर का वेरिफिकेशन किया और वो चले गए, बट मेरे को तो उस टाइम पता नहीं था कि इतना है। तो मैंने इससे बात करी कह रही नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए नहीं आए। उसके बाद ये हो गया, फिर होने के बाद फिर से हाई कोर्ट में तो वो चल ही रहा था, क्योंकि एप्लीकेशन डाली थी जब तक शादी नहीं होती तब तक वो क्लियर नहीं होता, फिर
हाईकोर्ट से, फिर दूसरा, फिर हमने हाईकोर्ट में एक और डाला कि 1 month हो गया हमारा, हमने न्यूज़पेपर में भी कर दिया हमने, और हमने वो भी दूसरा वाला भी बोर्ड वाला भी 1 month हो गया हमारा, बट अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है, तो क्यों ऐसा, 1 month ही लगता है वैसे। तो फिर हाईकोर्ट से फिर दूसरा वाला नोटिस गया उनके पास कि 1 month हो गया आपने शादी क्यों नहीं कराई, हाईकोर्ट से नोटिस गया। फिर उस टाइम, फिर उसी टाइम ही फ़ोन आया SDM सर का कि आ जाओ आप, आपका ये क्लियर हो गया सब कुछ, आप आ जाओ, आपकी शादी अभी होनी है, जल्दी आ जाओ अपने ऐसे करके फिर उस टाइम उन्होंने बुलाया। और एक बात तो मैं बोलना भूल गया, उस टाइम उन्होंने बुलाया शादी करवाने के लिए, हम पहुंचे, बट एक बीच में स्टोरी रह गई, वो बताता हूँ क्या हुआ था। क्योंकि ये सब होने के लिए एक बात हम भूल गए यार, वो जो वो होते विटनेस भी तो चाहिए होते हैं, विटनेस, और इनको भी बुलाना था मेरे को भी, वो भी तो होता है, क्या कहते हैं उसको, जो पूछते हैं कि आप आपसे जबरदस्ती तो नहीं करा रही शादी, या मेरे से, क्या कहते हैं उसको, मतलब ये पूछने, क्या कॉन्वर्जेशन करते हैं, विटनेस बुलाते हैं, 3-4 विटनेस बुलाते हैं। तो उसमें भी दिक्कत हुआ था, क्योंकि हर चीज में ना वो रोकने का कर रहे थे। तो फिर सब में बोलते कि 3 विटनेस लगेंगे, फिर हमारे बारे में कहते 4 विटनेस लगेंगे, अचानक से बीच में 4 लगेंगे, नहीं तो नहीं होएगा। मैं कह रहा 3 बोल रहे थे पहले, तो अब 4 अचानक से, अब क्या करूं मैं। फिर मैंने फिर फ़ोन किया, ऐसे ऐसे बात करी, फिर एक और विटनेस आया, 4 विटनेस हुए। फिर वो कह रहे इतने जल्दी आ गया, मैंने बोला हाँ, अब हमने तो करने ही, हम तो सोच के ही आए हैं, 4 विटनेस हो गए, 3 चाहिए थे, अब 3 वाले कॉलम में 4 लिख लिया उन्होंने, 1, 2, 3 ऐसे बैग छोटा सा करके 4 लिख दिया। उसके बाद फिर सबको बुलाया, सबसे पहले अर्षी को बुलाया अपने पास SDM सर ने, उन्होंने पूछा आराम से, हम सबको बाहर भेज के पूछा कि आप कर रहे हो शादी कोई फोर्सफुली तो नहीं है, ये वो इनकी कॉन्वर्जेशन हुई अंदर, जो जो बात हुई, क्या क्या बात हुई। पहले तो सबको बुलाया था, सब इकट्ठे 4 लोग हों और हम दो हम हुँ. तो मेरे को अंदर ही रोक लिया, इनको सबको बाहर निकाल दिया, तुम बाहर जाओ। मेरे को अपने फ्रंट वाली चेयर पे बिठाया, तो बोलते कि अभी इनकेस अगर आपको कुछ भी फ्यूचर में प्रॉब्लम होती है इनसे, तो आपने सीधा यहीं पे आना है ना, ऐसे से बोला जो भी, और पूछा भी तो था फोर्सफुली, तो फोर्सफुली नहीं, मैं कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा बताओ ना, तो उन्होंने फोर्सफुली पूछा तो तुमसे कि हाँ कुछ जबरदस्त तो नहीं कर रहे, पूछा था तो मैंने मना कर दिया, मैं कहती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर मैं, तो फिर मेरे बाद सिर्फ इनको बुलाया, फिर मेरे को बुलाया, फिर मेरे को बोला बिठाया था क्या, खड़ा मैं तो खड़ा था, मैं तो मेरी क्योंकि पहले भी SDM सर से बात हुई थी, तो बात हुई थी, मेरा फर्स्ट टाइम नहीं था, इनका था फर्स्ट टाइम, बस पहली बारी में इनको सीधा SDM सर के पास ही पहुंचा दिया था। तो फिर मेरे से बात हुई, मैं खड़ा था, मेरे को बोला कि हंसते हुए फोर्स, मतलब आपसे कोई फोर्सफुली तो नहीं कर रहा, मैं कह रहा सर मेरे से कि मतलब लड़का हूँ अपने उससे ही कर रहा हूँ, हाँ जी सर नहीं फोर्सफुली नहीं है, और ठीक है मतलब उसको वो नहीं करना कि फोर्सफुली नहीं है, चलो अच्छी बात है, ये वो ठीक से रहना, ये वो ऐसे करके स्टार्टिंग में बात हुई मतलब लेने के लिए। फिर मेरे को भी बाहर भेज दिया, फिर उनको बुलाया जो बाकी वो आए हुए थे, चारों को बुलाया, उन चारों से भी मिलाऊंगा वो कौन है, ठीक है अभी मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा, बट जब आएंगे तो उनसे भी बात कराऊंगा मैं। तो फिर उन चारों को बुलाया, उन चारों को बुलाने के बाद फिर उनसे पूछा कि क्या तुम्हारे क्या लगते हैं ये क्यों हो ये वो। अब वो चारों तो खतरनाक बंदे, वो बहुत खतरनाक बंदे हैं, उनसे मैं मिलाऊंगा और उनसे बात कराऊंगा। फॉर्म में तो नहीं भाई है ये, नहीं भाई ये कह रहे कि चारों को किसकी तरफ से हो, कह रहे कि हम दोनों की तरफ से, हम लड़के की तरफ से, हम लड़के की तरफ से, कह रहे अच्छा दोनों की तरफ से। तो फिर उनसे पूछा क्या काम करते हो, क्या क्वालिफिकेशन है, और कब से जानते हो हमें, और ये वो सब कुछ पूछा, उन्होंने सब कुछ बोला, और ऐसे नहीं कि डर डर के, ऐसे कि जो अगर तुम सही हो ना, सच हो ना, तो फिर डरना ही क्यों है। तो उनका ऐसे ही था, और कि अच्छे से बात करी उन्होंने बिना डर के कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये वो सब। फिर फर्स्ट वाला हमारा ये हो गया, फिर एंड में जाके दोबारा होता है जिस दिन शादी होनी होती है, क्योंकि उनके भी साइन चाहिए होते हैं और उनका भी चाहिए होता है सारा कुछ, जो चार होते हैं, उसी दिन हुई थी जिस दिन बुलाया था ना, उसी दिन थी। तो फिर अब मैं जाता हूँ बिल्कुल एंड वाले में, जिस दिन हमारी शादी थी, ये बीच वाला था, ठीक है। तो फिर एंड में हमें बुलाया उसी टाइम दिन में, और इनको तो अब घर से आना तो मुश्किल है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला भाई ये एंड है, अब देख लो आपको आना पड़ेगा, चाहे आधे एक घंटे के लिए आओ, पर आप आओ बस, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, अब शादी होने वाली है, आज शादी हो जाएगी और हमें वो मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो फिर इन्होंने जैसे मर्जी करके घर से 3 बजे निकल गई, घर से चुपचाप निकल गई, और मैं गई घर पे 7 बजे, चुपचाप घर से निकल गई आए, और मैंने इनको उठाया मतलब कि उठाया नहीं, उठा तो आऊंगा नहीं, इनको मैंने एक्टिवा में रखा और मैं पहुंचा सीधा SDM ऑफिस, और दोस्तों को फोन किया, क्योंकि उस टाइम तो अचानक से फोन आया था,
तो फिर उसके बाद फिर मैंने उनको फोन किया, भाई अपने सारे काम कुम छोड़ दो, जल्दी आओ अब होने वाला है। उन्होंने भाई पता नहीं कौन कहाँ काम कर रहा, आप सब पढ़ने वाले भी है, काम वाले भी है, क्लास लग रही, वो क्लास लगाता लगाता ही आ रहा, क्लास लग रही है इतनी इम्पोर्टेंट, मतलब सीन सोचो, मैनेजर बनने वाला, मैनेजर की एग्जाम क्लास चल रही है उसकी, और फोन आया भाई होने वाला है, क्लास छोड़ के आ गया, दूसरा बंदा कहाँ कॉलेज में, कॉलेज से आ गया, तीसरा बंदा कहाँ काम कर रहा है, वो भी वहां से आ गया, वहां से सारे पहुंच गए इकट्ठे ही, मतलब बहुत सपोर्ट किया यार उन्होंने ना। मैं बताऊं क्यों छुपाना भाई, मेरे दोस्त है वो, मेरे ना मतलब बचपन के दोस्त, जिनका भी मैं नाम लेता हूँ ना, कि मैं अभी मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं कुछ स्टार्ट करने वाला हूँ, उनमें भी मैंने उनका नाम लिया था कि हाँ उनके साथ करूँगा मैं, वो मतलब हमारा टीम होएगा, हम करेंगे, जो हमने लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी वाला चैनल बनाया, आपने सब्सक्राइब किया सब लोगों ने, नहीं किया तो जिसने नहीं किया जाके जल्दी जाके करो लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, उसमें भी वो आएंगे और उनसे भी मैं बात कराऊंगा, चारों आ गए जल्दी से, ठीक है। उस टाइम आए और हम बाहर बैठे और वहाँ पे सबसे बन गई थी कि 2-3 महीने से तो मैं वहीं पे चक्कर काट रहा था, 2-3 घंटे तक, 4-4 घंटे तक बाहर बैठे रहना, क्योंकि बहुत भीड़ होती है, एसडीएम सर के पास टाइम ही नहीं होता भाई, लाइन लगी हुई होती और मैं बाहर बैठा हुआ होता हूँ, तो फिर सबसे बनी हुई थी, फिर आते ही फिर सबने बोला चलो चलो जल्दी करो, ये वो ऐसे साइन करना है, अब ये करना है, फोटो लेना है, ये लेना है, वो लेना है, माला लेके आओ आप लोग ऐसे, और हम घर की ड्रेस में, घर मतलब ऐसे नॉर्मल कपड़े, क्योंकि जल्दी जाना था भाई, आपको मैं फोटो दिखाऊंगा हमारी मैरिज वाली, हम ऐसी सूट ऐसे कुछ भी पहन के आ गए, ये भी मैं भी कुछ भी जल्दी के चक्कर में, और हम ऐसे फोटो खिंचवा रहे हैं, हमें वो मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, और उस टाइम जो फीलिंग थी ना, ये तो मैंने ऐसे बता दिया क्योंकि अभी हो गया तो थोड़ा थोड़ा खुशी में, बट उस टाइम जो फीलिंग थी ना भाई, उस टाइम जो झेला था ना, वो सब ठीक से करने के लिए बहुत झेला था, बहुत ज़्यादा झेला था, उसके सब हो गया, और हमसे भी ज़्यादा वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तो कितना खुश था कि हो गया सर आपका, हो गया, हाँ हाँ जी हो गया, सबको मिठाई खिलाई वहाँ पे, ऑफिसर थे इतने सारे, हो गया भाई तूने बहुत मेहनत करी यार, भाई आ जाए यार, ऐसे करके कोई हक कर रहा, फिर वो एक मैम थे वहाँ पे जो स्लिप देते थे, कुछ रुपए की होती थी, 10-15 रुपए की वो स्लिप देते, उन्होंने बोला कि फिर ये जो 10-15 रुपए यही है, मतलब वो फॉर्म का ना फिल होता है, 20-30 रुपए लगते, कह रहे यही है प्राइस, मतलब इनका जो तुमने शादी करी है ना, ये प्राइस, ये नंबर होते हैं, नंबर देते हैं कि हाँ इतने नंबर पे इनकी हुई, उससे पहले हाँ, बहुत सारी होती है, इस वाले प्राइस में मतलब 29 रुपए में हो जाता है भाई, जो वहाँ पे खर्चा होता है ना, तो उन्होंने बहुत समझाया, इनको भी दोनों को साथ बिठा रखा था, कि थोड़े थे वो एज थे, तो उन्होंने बोला कि अपने घर वालों को नहीं छोड़ना कभी भी, है ना ऐसे ऐसे, क्योंकि थोड़ा डर होता है कि मुस्लिम का थोड़ा डर होता है ऐसे ना, तो उन्होंने ऐसे ऐसे समझाया कि कुछ भी हो तुमने साथ रहना है, ऐसा है ना कि एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं करूंगी तो इनको प्रॉब्लम होगी, ये करेंगे तो मेरे को प्रॉब्लम होगी, पर सबसे ज्यादा आपको पता ही है लड़कों को ही प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लड़की, बट हमारी शादी तो होगी थी यार, ऐसा भी नहीं होता, अगर नहीं होना ना, नहीं करना ना, लड़की ने एक बार मना करे, शादी होने के बाद भी कट हो सकता है, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, तो फिर सबसे मेनली बात ये है कि लड़की का और आपका ना स्ट्रांग रहना जरूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने सोचा है कि करना है तो फिर करना है भाई, उसके बाद कुछ नहीं सोचना, मेनली लड़के तो सोचते हैं, बट लड़कियों का थोड़ा हो जाता है कि फैमिली आते हैं, ये वो इधर उधर, बहुत बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो लड़की का थोड़ा हो जाता है, बट यार अगर एक, यार ये बस पार्टनर की बात है, आप ना ऐसे कंपेयर मत किया करो कि ये मेरे पेरेंट्स है और ये मेरा पार्टनर है, दोनों में से एक को चुनना है, भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ये पार्टनरों का अलग है कि हाँ पार्टनर है मेरा, और ये पेरेंट्स का अलग है, सबका अलग है, ये दोनों कभी कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स का पेरेंट्स है भाई वो, और जो पार्टनर है वो भी पार्टनर है, दोनों को कंपेयर नहीं करना, या पेरेंट या पार्टनर, शादी तो करनी है ना, तो वो तो तुम्हारा हक है ना कि भाई कि तुमने किससे करना है, ये वो है ना, तो वो पेरेंट्स का है, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट है, सब कुछ है, बट पेरेंट्स को भी मैं ये बोलना चाहूँगा, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना यार, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना कि सब कुछ मैश हो जाए और सब कुछ खत्म हो जाए, खुश रहना है और थोड़ा सपोर्ट करना है यार, ऐसे ही नहीं कि आप इस चीज़ में नहीं फोर्स कर सकते कि तुम जिनसे मैं बोलूँगा ये जिनसे हम बोले कि उन्हीं से शादी करनी है, या कुछ भी जो हम बोलेंगे वो करेंगे, और बाकी चीज़ में हो सकता है प्रोटेक्ट रहो, हर चीज़ में प्रोटेक्ट रहो, बट पार्टनर वाली चीज़ में आप कुछ और कर सकते हो, आप देख सकते हो कि लड़का ठीक है कि नहीं, लड़का कुछ गलत है तो नहीं, ये वो, उस चीज़ में परखो ना, इस चीज़ में ना परखो कि लड़के की रिलीजन क्या है, लड़का ये वो, लड़का ये काला है, ये वो, ऐसा कुछ और चीज़ें मत देखो, लड़के को अगर लड़का गलत भी है ना, बोलो कि भाई तेरे को करना है ना, तू ये सारी चीज़ें ये करके दिखा, ये कर, उसको कुछ बोल लो कि उसको थोड़ा वैसा वाला, बट ये मत करो कि रिलीजन देख के कि नहीं करना ही नहीं है, रह तो रहे हैं इंडिया में ही रह रहे हैं, है ना, कोई और कंट्री तो नहीं है यहाँ, सभी रह रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि भाई ये हिंदुओं का कंट्री है तो बस हिंदू ही है यहाँ पे,
रह तो रही है, एक ही घर में ही रह रही है, अगर एक ये जो देश है पूरा भारत है ये भी तो एक घर ही है, इसके अंदर ही रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी रह रहे हैं, सिख ये वो, तो एक कमरे एक घर में क्यों नहीं रह सकते हस्बैंड वाइफ बन के यार, अच्छे से खुश रह गए। ये मैशअप सब कुछ कहाँ कहाँ से होता है, बाहर से, पेरेंट्स का भी नहीं होता, पेरेंट्स को भी पीछे से आगे पीछे से इधर उधर से बोलते हैं ना, तभी पेरेंट्स भी मैशअप हो जाते हैं कि पेरेंट्स को इनका ये नहीं दिखता कि बेटी का प्यार या फिर बेटी की खुशी, ये नहीं दिखता पेरेंट्स को, वो देखता है कि वो क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, उनकी तरफ से, अब उनकी तरफ से चल रहा है क्या तुम्हारा, तो फिर फायदा है कि अगर औरों की तरफ से औरों का बोल के सुन के चल रहा है ना, उन्होंने कुछ करना है ठीक है, अगर कोई चीज़ गलत होती है तो उन्होंने हंसना है ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, तुम आपके साथ कुछ अच्छा होएगा तो वो सैड हो जाएंगे, यार ऐसे कैसे हो गया, इससे तो ऊपर जाना था ये वो, और अगर कुछ ऐसा हो गया, अभी सबसे ज़्यादा खुश वो लोग हुए होंगे कि अच्छा हुआ ये वो ये वो ये, ऐसे जो भी है ना, तो बाहर वालों को ही होता है ठीक है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे अपने बेटा या बेटी को, अपने बच्चों को, तो वही है यार, फैमिली ही मजबूत नहीं है तो फिर बाहर वाले तो फ़ायदा उठाएंगे उस चीज़ का, तो ये चीज़ पेरेंट्स को भी थोड़ा देखना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए, बाहर वाले तो बाद में आएंगे, पहले तो घर वाले ही आएंगे ना, फीलिंग और रिश्ता कभी टूटता नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, बना के रखना पड़ता है यार, औरों का सुन के जज नहीं करना चाहिए रिश्ते को। तो मेन पॉइंट में मैं दोबारा आता हूँ, उस दिन हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद हमें सर्टिफिकेट मिला, और क्योंकि घर पे कुछ बोल के नहीं आई थी ये, तो फिर इसको घर भी भेजना था, और वो सब करते करते ना 2-3 घंटे लगे, 3 बजे आई थी तो 7 बजे तक कुछ 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 बहुत सारा काम था वहाँ पे भी, फॉर्म फॉर्म ये बहुत सारा होता है, उसके बाद फिर इसको 7 बजे घर पहुँचा, फिर घर पे छोड़ा, घर पे छोड़ने के बाद फिर बड़ा प्रॉब्लम था, सर्टिफिकेट तो मेरे पास था, शादी हो चुकी थी हमारी, घर पे बहुत प्रॉब्लम था ये वो, तो फिर घर वाले इसको डांट रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, ऐसे कहाँ चली गई थी इतने देर में, मैं फोन भी नहीं लेके आई थी मैं, बल्कि फोन भी अपना घर फोन भी घर पे ही छोड़ के आई थी कि फोन भी नहीं कर सकते। उसके बाद घर वालों ने बहुत बोला ये वो ये वो ये वो, उसके बाद हमारी शादी हो चुकी थी, उसके बाद फिर भी हमने बोला, मैंने बोला, इसने भी बोला कि घर वालों को एक और बार हम मनाते हैं, एक और बार बोलते हैं, ट्राई करते हैं कि मान जाओ, बस मान जाओ। फिर मैंने बोला ठीक है, एक दिन इसने बोला नहीं 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 नहीं, 2 दिन बोला नहीं नहीं नहीं, थोड़े दिन पहले इसका जो रिश्ते वाला सीन जो हुआ था, मैशअप हो गया था, उसकी वजह से घर वालों को और ऐसा हो गया था कि इसने मना कर दिया ना, अब कहीं ना जल्दी से करा दो इसका रिश्ता, अब कोई भी हो जाए, कोई भी जैसा मर्जी हो लड़का, जैसा मर्जी हो, बस इसका रिश्ता करा दो, मुस्लिम होना चाहिए, इसी चीज़ में थे। तो इसने बोला कि मम्मी देख लो, बात कर लो एक बार दोबारा, सूरज से बात कर लो ये वो, देखते हैं ऐसे ऐसे करके। मम्मी नहीं, अब तो बिल्कुल भी नहीं, नहीं एक दिन नहीं, दूसरे दिन रोना धोना नहीं नहीं, मम्मी का नहीं था, तीसरे दिन चौथे दिन, मैंने बोला यार इतना बोल लिया उन्होंने करना नहीं है, मेरे को पता चल गया है, 5 दिन हो गए थे, 5 दिन से हम फिर भी होने के बाद भी मना रहे थे कि उनको ये ना बोले कि हमारी हो गई है, और वो बोलेंगे ना फिर हम दोबारा चाहे दोबारा कर लेंगे, उनको बताएंगे नहीं ऐसा कुछ हुआ है, वो तो हमने बैकअप के लिए रखा था कि हो गया अब तो फिर भी हमने नहीं करके, एक होता है ना कर लिया अब तो जो करना है कर लो, ऐसा वाला सीन नहीं था होने के बाद, हमारा ये था कि पेरेंट्स को लेके चलना है, पेरेंट्स को बोलना है समझाना है, बाकी तो फिर बाद में सबकी बात तो अलग है। फिर वो मानने नहीं, 5 दिन हो गए थे शादी के, तो फिर हमने बोला कि 5 दिन हो गए हैं, इतना बोला घर वाले मान नहीं रहे हैं, चलो फिर अब करते हैं। तो फिर पहले मैंने अरेंजमेंट किया हुआ था सब कुछ कि हाँ हमने ये करना है, सामान सामान मैंने फ्लैट ले रखा था एक जगह में, वहीं पे हम 1 साल तो पहले वहीं पे रहे थे, फ्लैट लिया हुआ था वहाँ पे, सारा सामान रखा हुआ था मैंने पूरा, मतलब जो घर पे होता है, मैं अपने घर पे भी नहीं गया था क्योंकि रिस्क होता है ना कि घर वाले ये वो कहीं, उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं था क्या होना है, कहीं कुछ और सीन ना हो जाए, लड़ाई झगड़ा ये वो, बट हमने प्रॉपर किया हुआ था तो फिर हमें इतना नहीं था, बट था भी कि क्या है ये कागज ये है ये वो करके। फिर हम गए, फिर हम मैं इसको लेके आ गया, उसके बाद फिर लेके आने के बाद घर वालों को टेंशन ना हो बोल के हमने मैसेज भी कर दिया कि ऐसे वैसे हमने ये ऐसे कर लिया है, सर्टिफिकेट की फ़ोटो भी भेज दी कि हम इतने दिन से मना रहे थे आपको, आपने हमें पता लगा कि नहीं मानना ये वो, 5 दिन के बाद हमने मैसेज भी भेज दिया और स्क्रीनशॉट भी, मतलब फ़ोटो भी भेज दी मैरिज सर्टिफिकेट की प्रॉपर लीगल वाला। तो फिर उसके बाद हम चले गए, तो हमने फ़ोन भी बंद कर लिया, फिर हम शाम को फिर ऑन किया कि एक बार बात कर लेते हैं घर वालों को, टेंशन हो रही होगी, हमें यही था कि यार हर बार हम जो भी बोल रहे हैं ना हमने फैमिली के साथ ही सोच के बोला है, फिर हम जो तो यार उनको टेंशन ना हो, एक बार उनको कंफर्म बता दे कि हम दोनों एक साथ में ही हैं ठीक है और हमने कर लिया, आप टेंशन ना लो। फिर हमने दोबारा फ़ोन ऑन किया, ऑन करने के बाद फिर उनको बोला, मैंने भी बात करी कि आंटी आप टेंशन ना लो ये वो, मम्मी रो रहे थे, फिर इन्होंने भी बात करी कि टेंशन ना लो मम्मी मैं ठीक हूँ ये वो, और मैं आऊँगी, हम आएंगे घर पे बहुत जल्दी ये वो ऐसे ऐसे करके, उसके बाद सारी बात होगी ये वाली, उनको बोल दिया हमने, फिर फ़ोन बंद किया और
कर दिया, वो स्विच ऑफ कर दिया। फिर एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, फिर दोबारा फ़ोन किया घर वालों को, हाँ ठीक है ये वो ये वो ये वो, ऐसे करके फिर अभी तक टाइम चल रहा है। अभी सब कुछ ऊपर वाले की वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये हमारी थी कहानी पूरी, और बीच बीच में कुछ भूल गए तो हम बाद में बीच बीच में कुछ आके फिर बना देंगे इसी टॉपिक में। स्टार्टिंग से हमारा यही था, ये थी हमारी सूरज और अर्षी की, सूरज नहीं, हाँ अब तो तू सूरज ही है, मैं अर्षी हूँ। ये हमारा सेकंड पार्ट में था जितना भी हमने बोलना था, क्योंकि अब देखो वीडियो के साथ साथ काम भी करना है, अब हमने को काम पे भी जाना है, अब शूट करने के बाद काम पे जाना है, फिर एडिट करना है, फिर आप लोगों को भेजना है। तो इतना मेहनत कर रहे हैं, बस आपका एक लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और आप लोगों का प्यार चाहिए। और कमेंट में बता दो, कमेंट कर दो यार, ठीक है, अच्छे से भर दो कमेंट कि हमने पार्ट टू बना दिया आप लोगों का। और आई लव यू, सबको बहुत सपोर्ट कर रहे हो आजकल, बहुत अच्छा प्यार कर रहे हो, थैंक यू आप सबका। और इस वीडियो को सपोर्ट करना, सुनना, पूरा सुनना है ना सारा, और लाइक एंड कमेंट, कमेंट जरूर करना, क्योंकि कमेंट जब आपका अच्छा अच्छा आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ नहीं ये सुन रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं अपने आप से ना थोड़ा बहुत। तो और अपने करियर पे भी ध्यान दो, हाँ करियर पे ध्यान देना है, घर पे ध्यान देना है, पार्टनर पे ध्यान देना है, ठीक है, चीट नहीं करना, ये सब चीजें नहीं करनी यार गलत, ठीक है, प्यार करना है, प्यार फैलाना है, ठीक है। और लड़कियों सुन लो मेरी बात यार, आप लोगों को स्ट्रांग रहना जरूरी है, ठीक है। बेचारे लड़के कितने धक्के खा रहे होते हैं, वो भी कहानी लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक है मेरे पास कहानी। तो लड़कियों को स्ट्रांग रहना पड़ेगा अपनी बात में भी और अपने करियर में भी, आपको कुछ करना भी है यार लाइफ में, हाउसवाइफ रह के नहीं रहना है, लाइफ में कुछ करना भी है, पार्टनर भी अपने उससे चुनना है, फैमिली को भी रखना है, प्यार करना है। और लड़कों को धोखा नहीं देना, धोखा मतलब कि पापा नहीं मानेंगे, बाबू मम्मी नहीं मान रहे, ये नहीं करना है, ठीक है। और लड़के आप लोग भी चीट नहीं करना है, ठीक है, अच्छे से रहना है। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, लव यू ऑल। और हमारा वाला जो होता है क्या होता है, फील करो, 567 को फील करो, टाटा बाय बाय।